पीयूष, क्या पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच गया है उसमें पीआईएल जो आपने बताया दाखिल की गई है, तो उसमें क्या कुछ है, किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, किस तरह की मांग की गई है, और सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों में कैसे अपना रिएक्शन देता है, क्या करता है, और कब इस मामले की सुनवाई हो सकती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए विस्तार से। जी सौरभ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं विशाल तिवारी, उनकी ओर से ये पीआईएल फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति या फिर विशेष जांच दल बना करके इस मामले में जांच कराई जाए जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और ये सामने आए कि आखिर गलती कहाँ थी, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से सिर्फ आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जबकि इस मामले में सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस भी जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में SIT या फिर विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय समिति बना करके जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट तलब की जाए जो ये स्पष्ट करे कि आखिर क्या इंतजाम किए गए अब तक जो मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने संबंधी या फिर पीड़ितों के इलाज के संबंधी ये उठाए गए, और इसके अलावा जो भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होंगे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, आप अगर मेरठ का विक्टोरिया कांड ले लें, करीब 2 दशक पुरानी घटना है और वहाँ पर अग्निकांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में मुआवजा भी देने का आदेश दिया था और साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि किस तरह से इस ऐसे आयोजन कराए जाने चाहिए। साथ ही ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 और मामले हैं जिनमें स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है तो किस तरीके से उसका आयोजन हो, और साथ ही स्कूल बसों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया था और दिशा निर्देश जारी किए थे। यहाँ पर अब हाथरस में जो भगदड़ में 125 लोग मौत के घाट उतर गए, उनको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले में आज कोई मेंशनिंग नहीं की जा सकी क्योंकि अवकाशकालीन बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और अब जब नॉर्मल बेंच 8 तारीख से यानी कि 8 जुलाई से बैठेगी उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी और संभावना ये बनती है कि इतना गंभीर मुद्दा है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय सुविधाएं क्या मुहैया कराई गई मरीजों को, परिजनों को या घायलों को, और साथ ही मृतकों की जो शव हैं उनका निपटारा किस तरह से किया गया, जो लावारिस लाशें हैं उनका क्या किया गया, ये सारे एस्पेक्ट जो है पीआईएल में उठाए गए हैं। और अब इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ये सवाल जरूर करेगा कि आखिर आपने इतने बड़े आयोजन की अनुमति किन आधारों पर दी थी और वो स्थितियां क्या थी, उसके बारे में जो फाइलिंग्स होंगी, नोटिंग्स होंगी, वो सब सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा। और जब उसे समुचित जवाब नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाएगा। और देखना ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब सुनवाई करता है तो फिर उसका रुख क्या रहता है। जी सौरभ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जब पूरी इस मामले की सुनवाई होती है तो सबकी नजर रहेगी कि क्या कुछ सुनने को मिलता है। FIR की जानकारी थोड़ा मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो इस मामले में FIR दर्ज हुई है पीयूष, 105 दफा, 110, 126 दो, 223 और 238, ये सब भारतीय न्याय संहिता जो नई कानून लागू हुए हैं उसके तहत हुई है। थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझा देते हैं अगर आप। देखिए, एक जो पहली धारा है जो आपने 105 बताई, वो धारा बेसिकली गैर इरादतन हत्या की जो कार्रवाई है उसके लिए दर्ज की जाती है, और जब इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और उसके संबंध में जब साक्ष्य पा लिए जाएंगे तब ये 105A के तहत इसमें सज़ा दी जाती है। और इसके अलावा जो 110 है वो भी गैर इरादतन हत्या को लेकर के है, लेकिन उसमें व्यक्ति सीधे तौर पर नहीं बल्कि बिना जानकारी के ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में ये धारा लगाई जाती है। और आपको बता दूं कि पहले ये 304 थी IPC में, जो 105 है, और IPC में 308 थी जो अब 110 है। इसके अलावा तीन धाराएं जो आपने बताई हैं उनमें एक धारा ये है कि
सरकारी अधिकारी के आदेश की अवज्ञा करना, यानी कि जो आपको परमिशन जो मिली थी उसका अनुपालन नहीं किया गया, तो सारी जिम्मेदारी आयोजकों पर जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा जी। और इसके अलावा सबूत मिटाने और या फिर ऐसा एक्ट करने या झूठ बोलने, झूठी जानकारी देने की जो धारा है वो भी लगाई गई है। और इसके साथ ही एक धारा को और लागू किया गया है जिसमें ये स्पष्ट होगा कि अगर कोई साक्ष्य था और उसे अचानक हटा दिया गया, तो ये कुल 5 धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। संभावना ये बनती है कि जो बाबा हैं जिनके दर्शन के लिए लोग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई, उनके खिलाफ भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। जाहिर सी बात है कि आयोजकों पर सारा जिम्मा डाल करके प्रशासन इस मामले में बच रहा है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन और पुलिस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। जी सौरभ, बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष तमाम जानकारियों के लिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उम्मीद करेंगे आप तमाम जवाबों के साथ हमारे साथ हाजिर होंगे।